गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग पेज नंबर 251 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले तो सारे बच्चे एक एक करके अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है। और ध्यान देंगे पेज नंबर 251 से लेजिस्लेटिव पावर्स। कल हम लोग पढ़ रहे थे पावर्स ऑफ द गवर्नर, यानी कि एक राज्यपाल की क्या शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो इसमें पहला जो था एग्जीक्यूटिव पावर्स, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब दूसरा पावर है इसकी, इसका लेजिस्लेटिव पावर्स। तो आइए ध्यान देंगे, द फर्स्ट सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ओपन्स विद द गवर्नर्स एड्रेस। यानी कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के पहले फर्स्ट सेशन की शुरुआत जो है वो गवर्नर के एड्रेस के बाद ही किया जाता है। द गवर्नर हैज़ द पावर टू समन अ सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर और एंड वन और डिसॉल्व द असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। एक राज्यपाल किसी भी सेशन के लेजिस्लेचर को बुला सकता है, किसी भी समय सारे लेजिस्लेचर को वो बुला सकता है और एंड वन और डिसॉल्व द असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, और कैबिनेट के एडवाइस पर वो कभी भी असेंबली भंग कर सकता है। All bills passed in the state legislature have to receive the assent. Assent means agreement. जितने भी bills pass किए जाते हैं state legislature में उसको क्या करना पड़ता है, उसको agreement बनाना पड़ता है governor के साथ, ठीक है। Receive the assent of the governor before they can become laws. State legislature में जो भी नियम कानून या कोई बिल अगर बनता है, पास किया जाता है, तो उसे सबसे पहले गवर्नर की मंजूरी मिलनी चाहिए, तब जाकर के ही वह लॉ व नियम व कानून जो है पास किया जाता है। द गवर्नर हैज द राइट टू होल्ड बैक अ बिल एंड सेंड इट टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन। गवर्नर के पास यह भी अधिकार होता है कि किसी बिल को वो आगे प्रेसिडेंट के पास यानी कि देश के राष्ट्रपति के पास फॉरवर्ड करे और उससे कुछ सलाह मशविरा ले। When the state legislature is not in session, the governor can issue orders known as ordinances. अगर किसी भी स्टेट में वहाँ का लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है तो गवर्नर एक ऑर्डर इश्यू कर सकता है जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंसेस मींस द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर। दीज ऑर्डिनेंसेस रिमेन इन फोर्स फॉर 6 वीक्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी कि ये ऑर्डिनेंसेस, ये ऑर्डर्स जो होते हैं वो कब तक फोर्स में रहता है, तो 6 वीक, ठीक है। 6 वीक्स मीन्स 6 सप्ताह तक जो है यह ऑर्डर वैलिड रहता है। जब तक कि लेजिस्लेचर फिर से सेशन में न आ जाए तब तक वो वैलिड रहता है। द गवर्नर ऑल्सो हैज द पावर टू नॉमिनेट 1/6 मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद फ्रॉम वेरियस डिस्टिंग्विश्ड फील्ड्स। राज्यपाल के पास यह शक्ति भी दी जाती है कि विधान परिषद का 1/6 पार्ट जो है, 1/6 भाग को वो अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को नियुक्त कर सकता है। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द विधानसभा विदाउट द रिकमेंडेशन एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नर।
कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस डिक्लेयर्ड गिल्टी, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत कठोर सजा दी गई है तो गवर्नर के पास इतनी शक्तियां होती है कि वो उसे दोषारोपित घोषित नहीं कर सकता है, मीन्स वो उसे क्षमा कर सकता है उस व्यक्ति को, उस अपराधी को, और सस्पेंड द सेंटेंस ऑफ अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, और जिस अगर किसी भी अपराध के लिए उसको जेल दिया गया है या उसको सजा दी गई है तो वो भी गवर्नर माफ कर सकता है। ठीक है, ये हो गया उसका जुडिशियल पावर। अब आते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स। द गवर्नर हैज द पावर टू टेक डिसीजंस इन स्पेशल केसेस विदाउट कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर के पास इतनी शक्तियां होती है कि किसी भी स्पेशल केस में विदाउट कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, यानी कि जो मंत्रियों का जो काउंसिल होता है, मिनिस्टरों का जो काउंसिल होता है, काउंसिल, ठीक है, उससे बिना सलाह मशविरा किए हुए गवर्नर खुद डिसीजन ले सकता है। द गवर्नर कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट इफ द रूलिंग गवर्नमेंट has lost the confidence of the legislative assembly or if the government machinery in the state has broken down। यानी कि अगर किसी भी राज्य में अगर शासन व्यवस्था चरमरा जाती है, शासन प्रणाली ठीक से नहीं चल पाती है, तो गवर्नर के पास इतनी शक्तियां होती है कि वो उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू कर सके। इन सच अ सिनेरियो द गवर्नर रन्स द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उस सिनेरियो में क्या होता है, तो जिस प्रकार उस सिनेरियो में क्या होता है कि गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बदले गवर्नर जो है उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, यानी कि उसका एडमिनिस्टर वही करता है, उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन वही करता है, कौन, गवर्नर। आइए कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। इन इंडिया प्रेसिडेंट रूल्स वॉज फर्स्ट इम्पोज्ड ऑन 31 जुलाई 1959 बाय डिसमिसिंग द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ केरला। ठीक है, जब केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया था 1959 ईस्वी में 31 जुलाई को, तब जाकर के भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ये डेट याद कर लीजिए, ये आपका जीके का भी क्वेश्चन हो गया और बड़े बड़े सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन भारत में कब लागू किया गया, दैट इज 31 जुलाई 1959। 31 जुलाई 1959 ईस्वी को भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उसके बाद है, अभी तक तो हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो गवर्नर के बारे में था, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या उनको क्या क्या पावर दी गई है। ठीक है, उसके बाद आता है चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर इज द फैक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट। ऐसे तो किसी भी स्टेट का जो हेड होता है वो तो गवर्नर को माना जाता है, लेकिन अगर कार्य के आधार पर देखा जाए, ठीक है, तो
चीफ मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है एक कंट्री के लिए, क्योंकि सारा काम प्राइम मिनिस्टर ही करता है, ठीक है, उसी तरह से चीफ मिनिस्टर होता है एक स्टेट के लिए, सारा काम चीफ मिनिस्टर ही करता है। द चीफ मिनिस्टर इज द फैक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट। अगर फैक्ट के आधार पर देखा जाए तो किसी भी राज्य का जो मुख्य होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, इसीलिए उसे मुख्यमंत्री भी कहते हैं। ही शी परफॉर्म्स ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शंस इन द स्टेट एज दोज ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर एट द स्टेट। सेंट्रल लेवल पर जो काम प्राइम मिनिस्टर करता है वही काम स्टेट लेवल पर एक चीफ मिनिस्टर का होता है। आफ्टर द जनरल इलेक्शंस द लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज वन द मेजॉरिटी इन द विधानसभा इज इनवाइटेड बाय द गवर्नर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यानी कि जब वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद जब वोटों की गिनती की जाती है तो उस पार्टी का जो लीडर होता है उसको मेजॉरिटी पेश करने के लिए विधानसभा में गवर्नर के द्वारा बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप अपनी सरकार जो है बनाएंगे। द अदर पार्टीज फॉर्म द अपोजिशन। जबकि दूसरी पार्टी जो हारी हुई होती है, जो पार्टी हारे हुए होते हैं वो अपना अपोजिशन यानी कि विपक्ष पार्टी फॉर्म करता है। इन द अब्सेंस ऑफ अ क्लियर मेजॉरिटी अ कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म। और जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है तो दो या दो से अधिक पार्टीज मिलकर के मेजॉरिटी साबित करती है और उसके बाद वे एक साथ मिलकर के गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। द लीडर इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर। उस पार्टी का जो सबसे मुख्य लीडर होता है उसे गवर्नर चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कराते हैं। नेक्स्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर द गवर्नर ऑल्सो स्वेयर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच असिस्ट्स द चीफ मिनिस्टर इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और उसके बाद गवर्नर मुख्यमंत्री के सजेशन पर, मुख्यमंत्री के एडवाइस पर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन करता है। मतलब उस जैसे राज्य सरकार है, चीफ मिनिस्टर है, तो उसके साथ और कौन कौन से मिनिस्टर्स उनके टीम में रहेंगे, ठीक है। तो ये भी गवर्नर का काम होता है, ये उसकी नियुक्ति करता है। विच असिस्ट द, जो आगे चल करके क्या करता है, वो सभी मंत्रीगण चीफ मिनिस्टर की मदद करते हैं इस देश, इस राज्य को चलाने में। वो सारे मंत्री जो है चीफ मिनिस्टर की मदद करते हैं। द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटा सा तस्वीर दिया गया है जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहाँ के गवर्नर जो है शपथ दिला रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से शपथ लिया जाता है। उसके बाद बारे में गवर्नर को सूचना देता है
दी अदर फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर इंक्लूड, इसमें से कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, आइए देखें। सबसे पहला है प्रिसाइडिंग ओवर द कैबिनेट मीटिंग्स। कैबिनेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ चोजन मेंबर्स ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग एंड डिसाइडिंग ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी। कैबिनेट यानी जिसको मंत्रिमंडल कहते हैं, तो मंत्रिमंडल में वे मिनिस्टर्स होते हैं जो कि समय समय पर वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, वहाँ के गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं और एक गवर्नमेंट पॉलिसी तैयार करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर में प्रिसाइडिंग ओवर द कैबिनेट मीटिंग्स। कैबिनेट का जो मीटिंग होता है कैबिनेट के मीटिंग को की कार्यवाही को आगे बढ़ाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग द पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। पोर्टफोलियोज मीन्स द पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट मिनिस्टर, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में सारे मंत्रियों को बांट दिया जाता है। जैसे ये पेट्रोलियम के मुख्यमंत्री ये हुए, ये सड़क निर्माण पथ निर्माण विभाग के मंत्री फलाना हुए, ठीक है, शिक्षा विभाग के मुख्यमंत्री ये हुए, ठीक है। मतलब हर क्षेत्र जो है हर एक मंत्रियों को अलग अलग रूप से दे दिया जाता है ताकि एक एडमिनिस्ट्रेशन में सुविधा। उसके बाद तीसरा है अपॉइंटिंग द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट इज रिटेनिंग चार्ज ऑफ द पोर्टफोलियोज दैट आर नॉट अंडर एनी अदर मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद वैसे क्षेत्र को, वैसा क्षेत्र जो कि किसी मंत्री को नहीं दिया गया है उसको फिर रिटेन किया जाता है, उस चार्ज को भी लिया जाता है। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक मुख्यमंत्री का यह भी कार्य होता है, यह भी उसका कार्य क्षेत्र होता है कि वह अपने प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रहे। नेक्स्ट होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य सरकार की जिम्मेवारियों को वो संभालता है। इफ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज पास्ड इन द असेंबली देन द एंटायर मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी नो कॉन्फिडेंस अगर पास किया जाता है असेंबली में तो सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है। ये अक्सर नहीं होता है, ये कभी कभार, इट इज एन एक्सेप्शन यू कैन से। पिस्ता फैक्ट, एक फैक्ट दिया गया है, मिस्टर पवन चामलिंग ऑफ सिक्किम इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट सिक्किम इन इंडिया। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर पवन चामलिंग, ठीक है, सबसे लंबे दिनों तक, सबसे लंबे समय काल तक इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक है। ही कंप्लीटेड 23 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 17 डेज एज द सीएम ऑफ द स्टेट ऑन 28 अप्रैल 2018। 28 अप्रैल 2018 ईस्वी तक उन्होंने 23 साल 4 महीने और 17 दिन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के पद पर या सबसे लंबे दिनों तक रहे।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।